लीजिए गर्मा गर्म दूध। काफी देर हो गई नरेंद्र जी। हाँ लेकिन मजा आ गया, कई दिनों बाद हमारी लड़कियां जी खोलकर हंसी होगी। नहीं और तुम? मैं भी, मजा आ गया। कुछ देर के लिए मैं अपनी कई साल पहले वाली दुनिया में चली गई थी, जहाँ पे कोई परेशानी कोई चिंता हमारे आसपास फटकती भी नहीं थी। और अब फटके के भी नहीं रहती। तुम अपना मन खराब मत करो, कल से तुम ऑफिस जाओगी, काम शुरू करोगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों, कल क्या है? मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्या, इस्तीफा दे दिया? कब? क्या फर्क पड़ता है भूषण, मैंने तय कर लिया मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। रेवती अगर तुम काम नहीं करोगी तो? मालूम है मुझे काम करना जरूरी है, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है, हर पल रहता है। एक दूसरी ऑफर है मैगजीन में कॉलम लिखने की। इसलिए तुमने इस्तीफा दे दिया इस नई नौकरी के लिए? नहीं भूषण, मैंने कोई जल्दबाजी में आकर या तैश में आकर यह इस्तीफा नहीं दिया है, बहुत सारी वजह है। घर पे भी मेरा ध्यान कम रहता है और मैं भी। देखो रेवती, तुम अब फिर से मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं माफी के काबिल नहीं हूं। मुझे पता है तुम्हें मेरी वजह से बाहर जाकर काम करना पड़ता है और तुम्हारी कमाई से यह घर चलता है, और उसके लिए मैं अपने आप को हमेशा कोसता रहता हूं उस कुर्सी पर बैठा बैठा अपने इस निकम में। भूषण क्यों तुम अपना मूड खराब कर रहे हो? इतनी अच्छी शाम बिताने के बाद क्यों मजा किरकिरा कर रहे हो? ऑफिस में और सारी बातें होती है। और कौन सी बात है? रूना के चले जाने के बाद नीना ने एक बच्ची को जिसके पास न कोई तजुर्बा है न क्वालिफिकेशन, उसे एडिटर के पोस्ट पे लाकर बिठा दिया। गजल आमीन। तो क्या हुआ, तुम्हारी नौकरी को उससे कोई खतरा है क्या? कोई खतरा नहीं है, लेकिन मेरे इतने साल के तजुर्बे के बाद मेरे क्वालिफिकेशन को नजरअंदाज करके नीना ने उसे एडिटर बना दिया और सोचा कि मैं उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखूंगी, उसे एडिटर के काम सिखाऊंगी। इतने साल के बाद यही औकात बन पाई मेरी। तुम भी कमाल करती हो रेवती, नीना के कितने एहसान है हम पर, उसने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया और तुमने उसे भुला दिया। आज जब वो अकेले पड़ गई है तो तुम उसे छोड़ देना चाहती हो? भूषण तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए आसान रहा होगा? तुमने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है ना मुझे बिना बताए, उससे यही लगता है कि तुमने ये फैसला बहुत पहले सोच समझ कर लिया था उसको छोड़ने का। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद कितनी परेशान हूं ये सिर्फ मैं ही जानती हूं। ठीक है, इसकी जो मर्जी में आया करो, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि इतने दिनों की वफादारी को तुमने एकदम से भुला दिया। कितने एहसान किए उस औरत ने हम पर, मीशा का एडमिशन ले लो, मेरी दवाई दारू और इस घर का डिपॉजिट, सब किसने दिया था? उसने तो दिया था, और तुमने सब भुला दिया एकदम से। रेवती कभी तो मुझे तुम्हारी समझदारी पर भी शक होता है, भरोसा नहीं होता मुझे तुम पर, कैसे कर सकती हो तुम ये सब? आई कांट बिलीव इट। हद कर दी, जिसकी जो मर्जी में आए मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है कुछ, मैं तो कुछ हुई नहीं ना।